सऊदी अरब में डायरेक्ट फ्लाइट एंट्री के लिए दोस्तों समीक्षा होगी। दोस्तों भारतीय प्रवासियों को मिलेगी दोस्तों राहत। और दोस्तों बता दें अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम आने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 से भी नीचे आएंगे दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया है यहाँ पे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों आपको बताता चलो, अभी पार्क वार्क में भी पूरी क्षमता से खोलने का कह दिया गया है दोस्तों। वहाँ पे भी कुछ कंजेस्टेड एरियो में अभी भी वहाँ पे एहतियात बरतना आएगा, बिल्कुल फ्री नहीं होना अभी दोस्तों। केसेस कम हुए, केसेस ख़त्म नहीं हुए, आना केसेस अभी भी आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। तो दोस्तों इसको देखते हुए भी हुकूमत ने ये दिया है दोस्तों अपडेट, अच्छी अच्छी दोस्तों आती रहती है कि दोस्तों। और लगता है कि अब बहुत ही जल्दी अब डायरेक्ट फ्लाइट भी अब खुल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों ये भी देखते हुए भी सही भी है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि अब जिस देश में भी यहाँ पे कम हो गया है तो डायरेक्ट फ्लाइट खोल दें और यहाँ पे भी फिर से केसेस पहले तरीके आना शुरू हो जाएं दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों हर हालत सामान्य होंगे दोस्तों। कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो उसको संभलने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी सही हो गया दोस्तों। नहीं दोस्तों, सऊदी अरब ने कई देशों पर डायरेक्ट एंट्री फ्लाइट के प्रतिबंध लगा रखा है कोरोना वायरस के बचाव के लिए। अभी हाल में ही जो दोस्तों जॉर्डन पे भी लगा दिया, अब जॉर्डन के लोग भी अब क्वारंटाइन होने के बाद ही सऊदी में एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी खबर आपको बता दें, कुवैत से आएगी दोस्तों। कुवैत ने सभी तरह के वीज़ा दोस्तों इशू करना शुरू कर दिया है दोस्तों। कुछ शर्तें होंगी दोस्तों, वीज़ा उन्हीं लोगों को दोस्तों दिया जाएगा जो कुवैत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोरोना वैक्सीन के फुल डोज लगवा लेने दोस्तों। उन फुल डोज में हैगा एक्स्ट्राजीन हैगा, मेडरीना हैगा और दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन हैगा। जिन्होंने दोस्तों कुवैत के द्वारा मान्यता प्राप्त की हुई वैक्सीन नहीं लिया है दोस्तों, उन्हें दोस्तों बूस्टर डोज लेना जरूरी होगा। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर QR कोड होना जरूरी होगा। ये दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी। अगर न्यूज़ पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो दोस्तों बेल आइकन दबा के ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।